नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आखिरकार उद्धव सरकार की गेम ओवर हो चुकी है, टाटा बाय बाय बोल दिया है उद्धव चाचा ने। और इसके साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तो दोस्तों, अभी बहुत सारी चीजें निकल के आई है जिसके बारे में मैं आपको विस्तार में इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे जो अपडेट्स है आप तक हर वक्त पहुंचते रहे। महाराष्ट्र में अभी बवाल का माहौल है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद बातचीत हो रही थी कि महाराष्ट्र के अगले सीएम कौन होंगे और फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना के एक बागी नेता थे, शिवसेना पार्टी में वो पहले थे, वो अभी महाराष्ट्र के सीएम होंगे और भाजपा की तरफ से वो अगले सीएम बन चुके हैं। और देवेंद्र फडणवीस, जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये भागडोर अभी एकनाथ शिंदे को सौंप दी है। तो एकनाथ शिंदे हो चुके हैं महाराष्ट्र के सीएम। ये सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि इस वक्त उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम नहीं है और आदित्य ठाकरे का कोई भी पावर अभी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक नेता है और जितने सारे अवैध चीजें उद्धव सरकार करवा रही थी उन सारी चीजों पे अभी रोक लगने वाली है। और जितने सारे आरोप उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पे लग रहे थे उन सारी चीजों की अभी जांच होने वाली है। और बहुत जल्द मुझे लग रहा है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे होंगे जेल में। बॉलीवुड से कंगना रनौत का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है जहां पे उन्होंने बोला है कि जैसे 2020 में कंगना रनौत का जो ऑफिस था उसे गिराया गया था म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से, इन सारी चीजों के पीछे उद्धव सरकार थी, उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो शिवसेना के स्पोक्स पर्सन थे ये दोनों इसमें शामिल थे। और कंगना रनौत ने उस वक्त बोला था कि बहुत जल्द उद्धव सरकार धूल चाटने वाली है और अंत में वही हुआ। 2 साल के बाद अभी उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया है। और कंगना रनौत ने ये भी बोला है कि जिस शिवसेना ने ये बोला था कि हनुमान चालीसा को बैन किया जाएगा, हनुमान शिव जी के 12वें अवतार है, तो अभी हनुमान चालीसा को जो पार्टी बैन करने के लिए बोल रही है उस पार्टी पे भला शिव जी भी कैसे मेहरबान होंगे। तो ये सारी चीजें अभी कंगना रनौत ने बोला है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये एक टीजर है, अभी और भी बड़ा बवाल होने वाला है। शिवसेना पार्टी अभी क्या करेगी? इतने दिनों से सीबीआई कोई भी अपडेट नहीं दे रही थी सुशांत सिंह राजपूत केस में, क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा था और आदित्य ठाकरे को बचा रहे थे उनके पिताजी उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र के सीएम थे। लेकिन अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, सचिन वाजे, नेता नवाब मलिक, ये सारे लोग तो अभी जेल में हैं और उद्धव ठाकरे ने भी रिजाइन कर दिया है। तो अभी मुझे लगता है कि दिशा सालियन, सुशांत सिंह राजपूत, मनसुख हिरेन, ये जो सारे मर्डर्स हुए थे और जो हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा था, इन सारी चीजों पे बहुत जल्द हम लोगों को अपडेट मिलेगी। और इन सारी चीजों के पीछे कौन है जिम्मेदार वो बहुत जल्द ऑफिशियली हमारी आंखों के सामने होगा। आप लोगों को इस पूरे मामले में क्या कहना है मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद एंड जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा।